हेलो दोस्तों, आजकल वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का दोगुना ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, ताकि वायरस के खतरे से सभी को बचे रहने में मदद मिल सके। ऐसे में यदि आप मां बनने वाले हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा एक नॉर्मल इंसान से। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण महिला की इम्यूनिटी ऐसे ही कमजोर पड़ जाती है, और ये वायरस सबसे ज्यादा खतरा उसी के लिए होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को संक्रमण का खतरा दूसरों के मुकाबले अधिक हो सकता है, और महिला के बहुत जल्दी संक्रमित होने के चांस हो सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में भूलकर भी प्रेग्नेंट महिला को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो खान पान। लॉकडाउन के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बाहर की चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आजकल तो डायल करके कुछ भी घर पे नहीं मंगाए, बाहर से लाए फल सब्जियों को अच्छे से पहले धो लें। कम से कम 8 से 10 घंटे तक बाहर रहने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें, और प्रेग्नेंट महिला को तो भूलकर भी उन चीजों को नहीं छूने चाहिए। उसके बाद गर्म पानी से धोने के बाद ही उस सामान का इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों, ये मैं फलों सब्जियों की बात कर रही हूँ। कटे फल, सब्जियाँ, बासी भोजन आदि के सेवन बिल्कुल भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं करने चाहिए। इसके अलावा खान पान में ऐसी चीजों के सेवन नहीं करने चाहिए जिससे आपको दिक्कत हो। प्रेग्नेंट महिला को इस समय ऐसा आहार लेना चाहिए जो जल्दी हजम हो जाए, हजम होने में दिक्कत नहीं हो, आपके द्वारा लिया गया आहार इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हो। अगर आप खान पान से जुड़ी इन चीजों का ध्यान रखती हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लेती हैं, संतरे का इस्तेमाल करती हैं, नींबू का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो दोस्तों, सुरक्षित रहने का सबसे सही तरीका और पहला तरीका है कि आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। आप बिल्कुल बाहर की चीजें नहीं खाएं, बाहर से जो आया भी है उसे तुरंत खाएं। दोस्तों, साफ सफाई का ध्यान। प्रेग्नेंट महिला को अपने साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही है, इसके अलावा आपको अपने घरों के साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी चप्पल जूते बाहर से आते हैं, उनको तुरंत अपने घर में नहीं दाखिल करें, उसे बाहर ही रखें अगर कोई घर में प्रेग्नेंट महिला है। उसके बाद जो भी इंसान बाहर से आते हैं, वो अच्छे से हाथ पैर धोकर ही अंदर आए, और आप थोड़ा उनसे दूर रहें, तुरंत पास नहीं जाएं। दोस्तों, उसके बाद है आराम। जितना हो सके प्रेग्नेंट महिला को इस दौरान आराम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन सोते भी रहें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। कुछ ना कुछ काम करते रहें, उलझे रहें, पर आराम जरूर करें। रात को समय से सोएं, सुबह समय से उठें दोस्तों, और जब भी कभी बाहर जाएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाना जरूरी हो गया, मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं जाएं। लॉकडाउन है, बाहर भूल कर भी नहीं जाएं। पर कभी ऐसा कुछ हो जाता है, आपको बाहर जाना जरूरी हो गया, जब भी घर में आए जरूर नहाएं, ताकि कोई भी जम्स वो क्लीन हो जाए दोस्तों। उसके बाद डॉक्टरी जांच। प्रेग्नेंट महिला को जरूरी जांच के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। पर दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप ये करें, इन चीजों को अवॉइड करें। आप अपने डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करें, आप जाने से बचें, और अगर जाना जरूरी हो गया तो मास्क, ग्लव्स, कॉटन के दुपट्टे और सिर को ढककर अच्छे से कपड़े पहनकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही डॉक्टर के पास जाएं, और वहाँ पे भी सेफ रहें। कोशिश करें कि जल्दी जाके वापस आ जाएं, बैठने की भी कोशिश नहीं करें। अपॉइंटमेंट ऐसे लें कि डॉक्टर आपको तुरंत सलाह दे और आप तुरंत घर को आ जाएं। दोस्तों, वहाँ से आने के बाद भी क्या प्रिकॉशन करने हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप अपने कपड़े, नहाने का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं, अगर आप इन सभी का ध्यान रखती हैं, तो आपको इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगा।
वायरस का खतरा आपके लिए नहीं होगा। पर दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी, घर में रहें, सेफ रहें, बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में नहीं रहें, अपने हाथ को धोते रहें, मुंह पे अपना हाथ जल्दी नहीं लगाएं दोस्तों। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।